आपने पिछले 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। इसमें एक फंक्शन गिवन है, आप पहले बुक में पढ़ो अपने, ये फंक्शन गिवन है, कहता है इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, तो और एक डिडक्शन डिडक्शन भी है। तो पहले हमने ये फंक्शन लिखा कि हमें ये फंक्शन गिवन है और फिर हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इतने के बराबर होता है, मैं आप देख जा रहा हूँ। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू डाली, ऐसा ही क्वेश्चन पिछला भी था, बस मतलब उसमें भी ऐसी वैल्यू थी, तो हमने साइन को यहाँ पे खोला, खोलने के बाद इसमें से 2i बाहर ले गए और ये जो टर्म है ये बड़ा खास टर्म है, ये इतने के बराबर होता है, ये रिमेम्बर है, इसका कोई और वैल्यू, बस इसको आप याद करिए, ये इतने के बराबर आ जाएगा। और tan ix, i tan hyperbolic x आपको ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट सेम में ये पढ़ाया गया था। तो बस उसके बाद tan hyperbolic x खोल दीजिए, sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x का फार्मूला को अप्लाई किया, e की पावर माइनस पी बाई टू ऊपर नीचे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए वाला था, और बस ये इतना बच जाए, ठीक आंसर आ गया। अभी उसने एक डिडक्शन और दिया है, तो देखिए फ्रॉम वन ये हमारे पास था इतना, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यही, ये कितने की वैल्यू होगी, 2 sin hyperbolic पाई एक्स, क्यों ऐसे कहा जा रहा है, क्योंकि cosec hyperbolic पाई एक्स को सॉल्व करना है, बस ये cosec बन गया, उस 2 को सामने ले जाके थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, आंसर आ जाए, इसको इतनी बड़ी डील नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कोई खास सवाल नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे दे दिया कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन गिवन है आपको, साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, इसको आप ब्रेक करिए 0 से a, a से b और b से इंफिनिटी, दो जगह पे तो वैल्यू पहले ही 0 है, तो ये दो 0, x sin bx फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, i लेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन x होगा, दूसरा वाला sin bx होगा, इंटीग्रेट करिए, आंसर निकाल लीजिए, कोई खास मुश्किल नहीं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों के फाइंड fx अगर sin ट्रांसफॉर्मेशन इज इतना, ये अब इनवर्स के क्वेश्चन हो गए, सोचिए कि क्या कहता है, कहता है fx निकालिए, हर बार fx गिवन होता था, आज fx निकालना है जबकि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, जबकि कहता था पिछले सवाल था कि फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे कि बाय इनवर्स फार्मूला वी हैव लाइक दिस, ये होता है बस, अब ये तो आपको ये रिमेंबर है, चैप्टर के शुरू में लिखवाया गया था, एफ एस बार पी की यहाँ पे वैल्यू डाली और पाई बाई टू वो खास नहीं थी, उसको बाहर निकाल दिया और ये रह गया साइन पी एक्स और डी एक्स। नाउ कंसीडर, क्योंकि साइन आ रहा है ना इन्फिनिटी डालने पर, इंटीग्रेशन करके वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, इसलिए वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से इंटीग्रेट होगा नहीं, और इतना ईजी होता है इंटीग्रेशन तो फिर क्या कहने थे। फिलहाल नाउ कंसीडर, हमने इस टर्म को कंसीडर कर लिया, ये क्यों किया बाद में हम इसका रियल या इमेजिनरी पार्ट जो भी है वो देख लेंगे, उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाई और माइनस आई बाई एक्स हो गया, इसको खोल दीजिएगी बाहर माइनस आई पी एक्स को, ये कॉस पी एक्स माइनस आई साइन पी एक्स, अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए तो ये 1 अपॉन एक्स के बराबर आ गया, इस 1 अपॉन एक्स को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर आ जाए। तो याद रखना कभी जोश में सीधा इंटीग्रेट कर दें, कर तो देंगे फिर कॉस इन्फिनिटी का क्या करें, वो ऑसिलेटिंग होता है इसलिए वो नॉन एक्जिस्टिंग होगा, बस उसका तरीका यही है इसको कि आप इसको ऐसे कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड fx, अगर इसमें भी वही है आपको इनवर्स लगाना है, fx सॉल्व करना है ना, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ, इसमें साइन भी दिया हुआ है और कोसाइन भी दिया हुआ है, तो हमने पहले साइन वाला पढ़ लिया, तो गिवन दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है, दैट इज fs बार p इतने के बराबर, fx निकालना है तो बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहां लगाया, आपने fs बार p की इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये फार्मूला दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी, कितनी बार अब लगा चुके हैं आपको रटा हुआ होना चाहिए, इन्फिनिटी रखने पर ये 0 हो जाएगा, 0 रखने पर आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला है, यहाँ पे साइन गिवन था इस क्वेश्चन में, कोसाइन गिवन है तो ये कॉस का इनवर्स फार्मूला होता है, वो लगाइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इंटीग्रेट करिए और आंसर निकालिए, फार्मूला लिख ही दिया है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस हिसाब में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये मॉड गिवन है, बुक में पढ़िएगा सही से तो आपको पता चलेगा, फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार पी, तो आपको एफ एक्स ही निकालना है, तो एफ एस बार पी गिवन है, अब हमें पता है मॉड एक्स माइनस इतने के बराबर होता है, आपको बहुत बार सिखाया गया,
अगर याद नहीं हो तो अभी याद करिए कि ये पॉजिटिव होगा और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होती है और निगेटिव होगा और एक्स की वैल्यू ए से छोटी होती है। और बाद में मैंने हमेशा इक्वल भी लगाया, क्योंकि इक्वल रखने पर ये जीरो आएगा, चाहे मैं ऊपर वाले में रखूँ चाहे मैं नीचे वाले में रखूँ, हमेशा जीरो ही आएगा। इसी तरीके से ये पी इतना हो जाएगा, आपको एक यहाँ पे तो ए था, कहना है एक जगह पे जीरो दिया है, तो ये पी माइनस जीरो है असल, तो पी की वैल्यू होगी अगर जीरो से या ए से बड़ी एक ही जगह पे तो जीरो। तो बस मॉड पी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस पी और ये माइनस पी। अब हमें फोरियर का साइन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इनवर्स, वो हमने फॉर्मूला लिखा और इसको ब्रेक करिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और जीरो से इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से जीरो एफ एस बार पी, अब एफ एस बार पी की वैल्यू रखनी है, जब वैल्यू मॉड में होती है तो ये नहीं रखी जाती। माइनस इन्फिनिटी और जीरो तो मतलब जीरो से पीछे है, तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो कहिए एफ एस बार पी में मॉड पी है, लेकिन मॉड पी जब पी की वैल्यू जीरो से कम होगी तो कितने के बराबर होगा, माइनस पी में, तो ये माइनस ये वाला माइनस तो रिटेन रहेगा यहाँ पे और मॉड पी की जगह पे माइनस पी आ जाएगा। और ये तो है e की पावर माइनस आई पी एक्स और डी पी प्लस, जब हम जीरो से इन्फिनिटी जाएंगे तो अब इसका क्या बनेगा हाल का, ये p की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मॉट p पॉजिटिव p हो जाएगा, तो माइनस तो दोनों जगह पे लगाना ही था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वहाँ p माइनस p है मॉट p और यहाँ मॉट p पॉजिटिव p और यहाँ माइनस p और साथ में, और आप तो, वो तो दोनों में रहेगा, ये तो फॉर्मूले में बस दोनों ईस को कॉमन ले लें, वाई माइनस आई एक्स और इतने के बराबर, अब जैसा भी है कॉमन ले लिया, अभी इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आप वैल्यू डाल, वैल्यू जब आप डालेंगे किसी जगह पे पी की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, जीरो पे तो जीरो और माइनस इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे याद रखिएगा जिसमें आप पॉजिटिव, खैर इसमें ज़्यादा ध्यान देने की इतनी बात नहीं थी, माइनस इसमें पहले से कॉमन है, यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी जीरो, और यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो, अगर यहाँ माइनस प्लस का जब मिला होता तो हमें माइनस को कॉल करना होता, अगर ये प्लस है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं था, सीधा सीधा आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इतने के बराबर है। ये पूरा पेज कुछ खास नहीं था, बस इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये जो शुरू में आपने मॉड पी को लिखना, उसके बाद एलसीएम लीजिए और आंसर आ जाए। 11वें में भी आपको इनवर्स, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत खास है इनवर्स वाले, सब ध्यान रखें, और एफएक्स निकालना है, बार पी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है साइन का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये लगाया, इसमें आपने ये वैल्यू डाल दी, जब बटे में आता है ये पिछले नहीं आ रहे थे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रिमेंबर इट, ये बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, पी के रेस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते, एक्स के रेस्पेक्ट में ही आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि पी में तो इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो पी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इन सारे टर्म्स का तो होगा नहीं, सिर्फ साइन पी एक्स का होगा, कॉस पी एक्स, और पी बाहर आ जाए क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस पी से ये पी कैंसिल हो गया, ये रह गया, इसको आपको आता है फॉर्मूला लगाना, वो लगाया लिमिट लगाने पे इतने के बराबर हो जाए डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट टू अपॉन वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर इतने के। बस आपने इसको आपके सामने सामने लेफ्ट और राइट में लिख दिया और इसको एक इंटीग्रेट आप कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट किया था इंटीग्रेट क्योंकि फॉर्म बन गई ना इंटीग्रेशन, क्यों किया था ये पी से पी सिर्फ कैंसिल कर देंगे, बस अब इसको आपने ऐसे इंटीग्रेट किया इतने के बराबर आ गया। अब इसमें मैं ए कैसे निकाल, अब ये निकालने की तरकीबें होती हैं, शुरू में ऐसे क्वेश्चन आए थे अगर आपने ध्यान हो तो, एक्स बराबर इसमें इनिशियल कंडीशन पर चलिए जीरो डालेंगे तो इसमें डाल दीजिए इक्वेशन नंबर टू में यहाँ, तो साहब एफ जीरो जीरो आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें जीरो, तो एफ जीरो तो जीरो है ही, तो ये भी जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ए बराबर जीरो, ए की वैल्यू यहाँ रखिए, पिछली बार जब ऐसे हुआ था ना तो उसको डिफरेंशिएट भी किया था, वहाँ पे दो कांस्टेंट आए थे सी वन और सी, इसमें ऐसा किया था, एक ही कांस्टेंट आया तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए थी, तो बस ये आंसर है। लेकिन दो सवाल हैं ये, और इसमें ये भी कहता है कि डिड्यूस करिए एफ एस बार वन अपॉन, तो बाई इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, इसमें एफ एस बार पी की वैल्यू डाल दीजिए जो आई थी और एफ एक्स जो गिवन है वो, और जो ये आपने निकाला है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि प्रूफ में वन अपॉन पी पूछा है तो इसमें आप ए बराबर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों तरफ, वो करते ही वो इतने के बराबर, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे। और इस सेंस में बात हो रही है कि आपने पिछले 8-10 सवाल कर लिए प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कर दें। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन
इंटीग्रल इक्वेशन आपको एमएस में पढ़ाएंगे, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया है, तो देखिए गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ये है, लेट fs fc बार लैम्डा इतने के बराबर, जो गिवन है इसको fc बार लैम्डा मान लीजिए, सो fx कितना हो जाएगा इतने के बराबर, इनवर्स का फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, p में होता था हमेशा, आई यहाँ लैम्डा में गिवन है तो ये लैम्डा में आ गया, इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसके दो हिस्से कर लीजिए 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, यहाँ से देखते हुए हमने इसको ब्रेक कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक 0 है और एक 1 माइनस लैम्डा है, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन है, वो आपने किया, यहाँ तक पहुँच गए, सवाल फिनिश हो गया। अब इसमें एक डिडक्शन निकालिए, कहिए कि एफ सी बार लैम्डा यदि इतने के बराबर है, तो मामला होता ही है कॉस का, तो यहाँ पे एफ एक्स की आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये 2/√2/π दोनों अंडर रूट 2/π हो जाएंगे, इसे कर दो इतना, और बस आप यहाँ पे ये वैल्यू से रखने के बाद आप यहाँ पे एफ सी बार लैम्डा जो शुरू में माना था उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा को आप 0 मान लें, लैम्डा को आप जैसे ही 0 मानेंगे तो आप ये वाली कंडीशन लेंगे, नीचे वाली नहीं ले सकते, यहाँ पे तो लैम्डा को 0 ले लिया है, तो यही तो 0 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो है ही नहीं कंडीशन, तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लेंगे और लेते टाइम लैम्डा को 0 तो वो 1 आ जाए, कॉस को ऐसे खोलिए 1 से 1 कटेगा, ये साइन की वैल्यू आ गई, इतने के बराबर होता है, इसे हमेशा याद रखें, और उसके बाद और थोड़ा सा जुगाड़ देखें, एक्स बाई 2 को आपने t माना, डी एक्स बराबर 2dt की वैल्यू रखिए, लिमिट में चेंज नहीं आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई अपॉन 2, इसे आप याद रखिए। फाइनाइट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, आज आप ये चैप्टर पूरा हो गया, इसको आप कंप्लीट करें विद सॉल्व एग्जांपल, थ्योरम्स मैंने करा दी थी, दोनों के आप सॉल्व एग्जांपल्स कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये आप जरूर देखेंगे, ये चाहे आए ना आए एग्जाम में, लेकिन पढ़ते हैं तो मेथड क्लियर होते हैं, थोड़ा सा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज। मैं अगला वीडियो कल ही भेजूंगा आप, और वो जोश आ गया मुझे तो मैं रात को ही भेज दूंगा, तो इसलिए आप इसको फटाफट तैयार कर लें, और पिछला शायद ज़्यादा बच्चों ने देखा नहीं था, मैंने शायद इसलिए नहीं भेजा था ये वीडियो जल्दी, तो इसलिए सब लोग देखें और पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका एक चैप्टर रह गया है बस, वो कंप्लीट करा के ये बुक पूरी हो जाएगी, थोड़ा सा काम एक चैप्टर का और रह गया है, मैं सब करा दूंगा इसमें पहले, उसके बाद ही मैं सोच रहा हूँ फिर स्टार्ट।